Hello friends. Welcome to Talent Crafts. Hello friends, welcome to Talent Craft. आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई बनाना बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बैटरी बेस्ड पावर सप्लाई बनाना बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए 230 वोल्ट 212 वोल्ट 1 एम्पियर। आप चाहें तो 9 वोल्ट 500 मिली एम्पियर भी ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। इसके बाद हमें पीएन जंक्शन डायोड चाहिए जिसका नाम है 1N4007। इस टाइप के 4 डायोड की जरूरत होती है बिकॉज हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। उसके बाद फिल्टर पर्पज़ के लिए हमें कैपेसिटर चाहिए। आप 16 वोल्ट या 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेराडे रेटिंग की कैपेसिटर ले सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमें 7805 IC चाहिए। बेसिकली ये 4 टाइप्स के मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है 4 डायोड्स के ज्वाइंट कनेक्शन पे। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे डायोड का प्लस एंड माइनस पॉइंट ज्वाइन होते हैं वहाँ पे ही हमें ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड के 2 वायर्स कनेक्ट करने हैं। मीन्स जहाँ पे 2 डायोड का प्लस माइनस ज्वाइंट होता है वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देना है इस तरीके से। एंड जिस पॉइंट पे 2 डायोड का नेगेटिव साइड ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी जो कि 7805 के फर्स्ट लेग के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का थर्ड लेग से हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अब ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट में जहाँ पे 2 डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट होते हैं वहाँ से पूरे सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा इस तरीके से, और वो 7805 के सेकंड नंबर के पिन के साथ कनेक्ट होगा। अब इस सर्किट में 7805 से पहले पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। दैट्स व्हाई वी नीड अ कैपेसिटर फॉर फिल्टर पर्पस। अगर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है तो हमें इस पॉइंट पे 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। एंड अगर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे हमें 9 वोल्ट मिलेगा जब आप मल्टीमीटर से इसको चेक करोगे तो। बट फ्रेंड्स, जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हमें 12 वोल्ट से ज़्यादा की ही वोल्टेज मिलती है क्योंकि हम सर्किट को अनलोड चेक करते हैं। जब यह सर्किट लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से ही हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट में 5 वोल्ट डीसी को शो करने के लिए एक LED को 330 ओम के रजिस्टर के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। इस पॉइंट पे हमें 5 वोल्ट डीसी मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। अब हम ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। बट उससे पहले हम मल्टीमीटर को 5 वोल्ट को चेक करने के लिए ज्वाइंट करके रख देते हैं इस तरीके से। अब जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वर्किंग करने लगेगी और ये सर्किट 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी एंड 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट देगी। मीन्स स्विच प्रेस करने से पहले आप पूरे सर्किट का 1 या 2 बार चेक कर लें। चलिए अब स्विच प्रेस करके चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हमें कंसीडर करना है, वो है डिफरेंट पॉइंट का वेव फॉर्म। सो मेन सप्लाई पे हमें अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म मिलेगा इस तरीके का। आफ्टर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा इस तरीके का। विदाउट फिल्टर एंड आफ्टर रेक्टिफायर हमें पल्सेटिंग डीसी मिलेगी लाइक दिस। आफ्टर यूजिंग फिल्टर हमें प्योर वोल्ट डीसी मिलेगा। एंड आफ्टर 7805 IC हमें प्योर वोल्ट डीसी का वेव फॉर्म मिलेगा। अब इसका प्रैक्टिकल अगर आप जनरल पर्पस बोर्ड मीन्स डॉटेड PCB पे सोल्डिंग करके पावर सप्लाई की सर्किट रेडी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम पे फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ पिछले 11 साल से। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस चैनल टैलेंट क्राफ्ट पे डिफरेंट माइक्रोकंट्रोलर्स की ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। बट बहुत सारी कंपनियों के वर्कलोड होने के कारण मैं टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टैलेंट क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स,
मैं आपको जो भी सर्किट बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ वो सारी सर्किट सिंपल एंड ईजी है। आप बस इसको अपने घर पे, कॉलेज में या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में बैठकर डेवलप कर सकते हो। और मेरे ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज फैकल्टीज के लिए, हॉबीस्ट के लिए एंड प्रोजेक्ट मेकर के लिए, सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।